हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहली वीडियो है इस चैनल पर। सो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अंडरग्राउंड घर माइनक्राफ्ट में कैसे बनाएं। बनाने के लिए आप लोगों को जो कोई भी ब्लॉक ले लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को 3 ब्लॉक रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ऐसा करके करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉक रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी। उसके बाद आप लोगों को सिंपली पीछे का साइड को ऐसे करके कवर करने के बाद आप लोगों को ऊपर पे ब्लॉक रख देना पड़ेगा। ब्लॉक रखने के बाद आप लोगों का फिर से भी यहाँ पे रखना पड़ेगा ब्लॉक, ऐसे करके कवर दे देना। कवर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक रख देना। उसके बाद आप लोगों को फिर से पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने के बाद फिर से कवर दे दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके कर देना। तो मेरा उसके बाद आप लोगों को ऐसे जैसे मैंने किया था वैसे करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ये जगह को चारों तरफ से फिल करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैं फिल कर रहा हूँ ऐसे जैसे तैसे फिल करते रहना, जैसे मैं कर रहा हूँ फिल करते रहना। तो देख सकते हैं मैं जगह ऑलमोस्ट फिल हो गया। तो अभी रात हो गया है, मैं जाके सो जाता हूँ। सिंपली यहाँ पे ऊपर जगह को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को सर्च मारना पड़ेगा डोर। मैं क्रिएटिव मोड में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना सारा सामान अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्रिएटिव मोड में कर रहा हूँ। वरना मैं सर्वाइवल में करता तो ऐसे कर देना। तो आप लोगों को दरवाज़ा लगाने के बाद अंदर जाकर टॉर्च लगा देना पड़ेगा, वरना आप लोगों को काम करने में थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद आप लोगों को एक गैप छोड़ के यहाँ से मिट्टी को हटाना पड़ेगा। ओके गाइस, उसके बाद मिट्टी ऐसे हटाते जाना जैसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत गहराई तक जाना, आप लोगों का मन होगा तो गहराई तक जाना। मेरा मन नहीं है तो मैं गहराई तक नहीं जाऊँगा। मेरा बेस ज़्यादा मिट्टी का नीचे तक नहीं करूँगा। तो एक प्रॉब्लम आ गया मेरा, मैंने बोला था ये सब प्रॉब्लम आएगा बीच में। सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ब्रिक लगा देना, यहाँ पे मिट्टी डॉट जो कुछ भी लगा सकते हैं। सो आप लोगों को वन बाय वन मिट्टी नीचे खोदना पड़ेगा जैसे मैं खोद रहा हूँ। सो बहुत गहराई तक आ गया लगता है मुझे, या फिर नहीं आया हूँ। तो मैं इतना तक आ गया हूँ। सो मिट्टी को ऐसे खोद देना। सो मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। सो होप आप सभी लोग इन्जॉय करें इस वीडियो को। सो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो का एंड तक बने रहे और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। ओके गाइस, अगर आप लोग ये स्टेप कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत गहराई पे आ गया हूँ। अब मैं मिट्टी नहीं खोदने वाला हूँ, अब मैं सिंपली सीधा सीधा खोद दूँगा मिट्टी को। एक और टॉर्च लगा देता हूँ। तो सीधा सीधा खोद देना मिट्टी को ऐसे करके। खोदने के बाद आप लोगों को यहाँ पे साइड को भी एक और खोदना पड़ेगा जैसे मैं खोद रहा हूँ, ऐसे जगह खोदना पड़ेगा। सो मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता, सो इसके लिए माफ़ कर देना। सो मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा हिंदी नहीं आता है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सो अगर आप लोगों को गाली देने का मन है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो देख सकते हैं इतना छोटा
बेस बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इतना ही छोटा बेस बना रहा हूँ मिट्टी का अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कमरा भी बना सकते हैं मिट्टी को और सामने खोद के। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक कमरा बना होगा। तो कमरा बनाने के लिए पीछे थोड़ा खोद देना, ऐसे करके खोद देना। खोदने के बाद यहाँ पे फिर से एक और टॉर्च लगा देना। तो इतना ही तक लगता है ठीक रहेगा। अब मैं यहाँ पे दरवाज़ा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कमरा बना दिया। तो यहाँ पे भी वैसा खोदना पड़ेगा जहाँ तक आपने खोदा था, वहाँ तक जहाँ पे खोदा था उसके बाद आप लोगों को अंदर जाके सिंपली एक और टॉर्च लगा देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोगों का सामान ला के रख भी सकते हो। यहाँ पे चेस्ट रख सकते हो, फर्नेस रख सकते हो, क्राफ्टिंग टेबल रख सकते हो और बेड भी रख सकते हो। रात पे यहाँ पे बेड रख के सो भी सकते हो। सो देख सकते हैं वीडियो अभी तक एंड नहीं हुआ, एक चीज़ बाकी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोगों को सिंपली सर्च करना पड़ेगा क्रिएटिव मोड में, टीआर सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को स्मूथ स्क्वाड्स टीआर्स लेना पड़ेगा। लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रख देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा एक ब्लॉक छोड़ के। तो देख सकते हैं मैं जैसे स्टेयर्स को प्लेस कर रहा हूँ वैसे प्लेस करना। तो अभी बहुत स्पेस हो गया और अच्छा भी लग रहे हैं। सो और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये जगह वीडियो एंड करने का पहले। तो देख सकते हैं आप लोग, ये एकदम परफेक्ट सीक्रेट बेस बन गया। तो देख सकते हैं ये जगह घुमा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग स्टेयर से उड़ भी सकते हो। तो देख सकते हैं मेरा अंडरग्राउंड बेस एकदम सक्सेसफुल रहा। सो यहाँ पे आप, मैंने जैसे बोला था इसका नीचे आप लोग रह भी सकते हो माइनक्राफ्ट में। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा अंडरग्राउंड बेस बनाने का टिप, सो कमेंट में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Your company.